बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टर्बिलेरिया और ये फाइलम प्लैटीहेलमिंथस में एक क्लास है। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन और जनरल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम प्लैटीहेलमिंथस के डिस्कस किए। आज हम क्लास टर्बिलेरिया के थ्री मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो फीचर्स हैं इसके क्लास टर्बिलेरिया के हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। बॉडी वॉल, लोकोमोशन, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन दिस फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथस क्लास और फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स जो कि मोस्टली बॉटम डिवेलर्स हैं, चाहे एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनवायरमेंट है या एक्वेटिक मैरीन एनवायरमेंट है, वहां पे बॉटम में रह रहे होते हैं एंड यूजली मूव करते हैं विद हेल्प ऑफ देयर सीलिया, ग्लाइड कर रहे होते हैं ऑन द सर्फेसेस, वेजिटेशन, सैंड। और इनका नाम टर्बिलेरियंस इस वजह से है क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्बुलेंस जनरेट करेंगे, टर्बिडिटी जनरेट करेंगे वाटर के अंदर एंड दैट टर्बुलेंस इज जनरेटेड ड्यू टू देयर बीटिंग सीलिया ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। और इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन एडेड है, क्लास टर्बिलेरिया में ओवर 3000 स्पीशीज हैं, मोस्टली प्रीडेटर्स एंड स्केवेंजर्स, और साइज इनका 1 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। कलरेशन वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशीज, यूजली ब्लैक, ग्रे, ब्राउन या फिर कुछ ब्राइटली कलर्ड स्पीशीज भी जो है वो उसमें मिलती है हमें। अगर इसकी बॉडी वॉल देखी जाए तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, दैट इज एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाद एपिडर्मल जो सेल्स हैं उसमें या तो सीलिया है या माइक्रोविलाई, अभी हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नजर आती है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। मसल्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप के, इनकी बॉडी के क्रॉस सेक्शन में देखा जाए लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एज वेल एज डॉर्सो वेंट्रल या ऑब्लीकली प्लेस्ड मसल जो इनकी बॉडी में मौजूद है। और इसके अलावा लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू एसिलोमेट होने की वजह से इनमें है पैरेन्काइमा जो मल्टीपल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। मेसोडर्मल सेल्स पैरेन्काइमा या मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स पैरेन्काइमा के अंदर ही मौजूद होंगे, जबकि एंडोडर्मस से बनने वाली लेयर का नाम है गैस्ट्रोडर्मस जो इनमें गट डेवलप करेगी। ये बॉडी वॉल का एक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर आपको नजर आ रही है दैट इज एपिडर्मस। फिर ये जो इनर सारे का सारा स्पेस है, ये सारे की सारी कैविटी है, इट इज पैरेन्काइमा। और ये पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर या पैरेन्काइमल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स ये मौजूद है। एंडोडर्म से बनने वाली इंटेस्टाइन या जो इनकी फेरिंग्स है वो यहाँ पे मौजूद है। फेरिंग्स भी गट के जाहिर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। और बाकी जो एपिडर्मल सेल्स या इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इस क्रॉस सेक्शन में लोअर साइड पे आप सीलिया को प्रोमिनेंटली देख सकते हैं विच आर एसोसिएटेड विद द एपिडर्मस लेयर। बॉडी वॉल के फीचर्स में फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि रेबडाइट्स जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं एक म्यूकस, प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीट कर रहे होंगे अराउंड द बॉडी वॉल ऑफ टर्बिलेरियंस। टर्बिलेरियंस में हमारे पास प्लेनेरिया या दूसरे जो है वो कुछ स्पीशीज इंक्लूडेड हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया। इसके अलावा एडहेसिव ग्लैंड्स और रिलीजर ग्लैंड्स भी इनमें मौजूद होते हैं जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग देयर मूवमेंट एट स्पेसिफिक टाइम्स। और लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो टर्बिलेरियंस ये पहला ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन्होंने बायलेटरल सिमेट्री डेवलप की। इससे पहले नाइडेरियंस के बारे में या पोरिफेरा में आपने पढ़ा, स्पंजेस में एसिमेट्री थी, नाइडेरियंस में रेडियल सिमेट्री थी। बायलेटरल सिमेट्री का लोकोमोशन से क्या रिलेशनशिप है कि बायलेटरल सिमेट्री मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में है जिनमें सेफलाइजेशन भी डेवलप हो गई है, उनके रिसेप्टर्स एंटीरियर एंड पे अकोमोलेट हो गए। और बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स मोस्टली एजाइल एक्टिव है, जबकि रेडियली सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एनिमल्स उनके बारे में आपने पढ़ा कि प्रीडोमिनेंटली वो सिसाइल या नॉन मोटाइल है। सो ये बायलेटरल सिमेट्री का एसोसिएशन होता है एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। प्राइमरीली बॉटम डेवलपर्स दैट ग्लाइड ओवर द सबस्ट्रेट, दे मूव यूजिंग सीलिया, और इन्हीं सीलिया की वजह से हमने पढ़ा टर्बुलेंस जनरेट होती है। दैट टर्बुलेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक नेम क्लास टर्बिलेरिया, इन सीलिया की वजह से या इन सीलिया की जनरेटेड टर्बुलेंस की वजह से। इसके अलावा अगर डाइजेशन और न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं फर्दर क्लास टर्बिलेरिया में उनमें डिफरेंट टाइप्स नजर आती है हमें। फॉर एग्जाम्पल ये सीलिया में जस्ट जो है वो गट एक नैरो ट्यूब में मौजूद है। देयर इज लैक द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ अदर टर्बिलेरियंस। दिस ब्लाइंड कैविटी वेरीज फ्रॉम सिंपल अनब्रांच चैम्बर मैक्रोस्टोमेटा में, सिंपल एक अनब्रांच चैम्बर है। फिर लेसिथो एपिथीलेट जो ऑर्डर है इनका उनके अंदर जो है वो ब्रांच सिस्टम है डाइजेस्टिव ट्यूब्स का, और उससे भी ज्यादा
ट्राइक्लैडेडा जिसमें प्लेनेरिया भी इंक्लूडेड है, जिनमें थ्री जो है वो ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की, ट्राइक्लैडेडा। और उसके बाद पॉलीक्लैडेडा, उसमें भी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में डेवलप हुई है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका है तो सैक टाइप, मीन जस्ट विद अ सिंगल ओपनिंग, लेकिन उसमें भी फर्दर वेरिएशंस डेवलप हुई हैं इन द डिफरेंट ग्रुप्स। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम आर एन एडवांसमेंट, जाहिर है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉडी के अंदर इन डाइजेस्टिव ट्यूब्स की अगर आप देखें, उतने ही ज्यादा फूड की डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी रहेगी। यहाँ पे ये जो एरियाज हैं ये डायरेक्ट डिफ्यूजन से फूड ऑब्टेन करना मुश्किल है, लेकिन ये जो पॉलीक्लैडेडा या ट्राइक्लैडेडा, इसमें अगर आप देखें तो हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। एंड दिस हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो कंपनसेट्स द नीड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि न्यूट्रिएंट्स या गैसेस ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, फिर उसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। अगर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में आप देखें कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, तो यूजली माउथ के थ्रू इंजेक्शन होती है, लेकिन इनमें एक एवर्सिबल प्रोजेक्टेड आउट स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स से इंजेक्शन होगी और ये फेरिंग्स प्रोट्रूसिबल है बॉडी से, जो है प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट आउट कर सकती है फ्रॉम वाइल्ड फीडिंग। और मोस्ट ऑफ एरियाज सच एज द कॉमन प्लेनेरिया दे आर कार्निवोरस, ये भी कार्निवोरस, ये भी यहाँ पे भी आप उसकी जो है फेरिंग्स की प्रोजेक्शन को देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। एंड फीड अपॉन स्मॉल लाइव इनवर्टिब्रेट्स और स्केवेंजर्स भी होते हैं कुछ, जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। समर हर्बीवोर्स एंड फीड ऑन एल्गी एंड स्केप अदर फ्रॉम द रॉक्स। सेंसरी सेल्स इनमें मौजूद हैं, कीमोरिसेप्टर्स ऑन द हेड दैट हेल्प देम टू डिटेक्ट फूड फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, कि फूड कहाँ पे मौजूद है उसकी डिटेक्शन होगी। फूड डाइजेशन पार्शली एक्स्ट्रा सेलर और फिर इंट्रा सेलर डाइजेशन भी इनके अंदर होगी। फेरिंजियल ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फेरिंग्स के साथ ही एसोसिएटेड होंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। और फिर डाइजेस्टिव कैविटी, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पर भी डाइजेशन कंप्लीट होगी, जिसको हाईली ब्रांच्ड सिस्टम आगे जो है इसका जो ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, वही फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेंगी। सो दैट वाज अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास्ट्रा बिलेरियन। इसके नेक्स्ट फीचर्स हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।